बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर का कहना है कि भाई भतीजावाद, पक्षपात और समूहवाद जैसी प्रथाएं केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद है। अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 का एक डायलॉग पर रोशनी डालते हुए फिल्म अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने कहा कि ऐसी बातें केवल फिल्मों में अच्छी लगती है और वास्तविक परिदृश्य पूरी तरह से अलग है। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की मौजूदा बहस पर बात करते हुए ईशा कोप्पिकर का कहना है कि अंत में केवल कड़ी मेहनत ही है जो मायने रखती है। इस बारे में बात करते हुए ईशा कोप्पिकर ने कहा, चाहे आप इसे भाई भतीजावाद कहे या पक्षपात, मैं मानती हूँ कि हमारे जैसे बाहरी लोगों के लिए जगह नहीं है, लेकिन कई ऐसे स्टार किड्स आए और बहुत कुछ नहीं कर पाए। शायद उन्हें मौके मिलने के बाद भी हुनर की कमी थी। हालांकि हमारे जैसे बाहरी लोगों के लिए हर चौराहे पर एक परीक्षा होती है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, जॉनस, अनुष्का शर्मा, ये सभी बाहर से आए और उन्होंने अपनी जगह बनाई है। बॉलीवुड में मौजूदा कैंपों की बात करें तो ईशा कोप्पिकर इस बात से इनकार करती है कि, लेकिन वो ये भी कहती है कि इस बारे में बात करना शिकायत करने जैसा है। ईशा कोप्पिकर कहती है, हाँ कैंप है, लेकिन मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। हो सकता है कि ये लोग उन लोगों के साथ काम करना चाहते हो जिन्हें वो पसंद करते हैं, उनके दोस्त और जो लोग उनकी बात सुनते हैं। मुझे नहीं पता है कि अंदर क्या होता है, इसलिए मैं कल्पना नहीं करना चाहती। मेरी भी शिकायतें हैं, मैं बुरी बन सकती हूँ। कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हुए ईशा ने बताया कि बेशक ये भी होता है, लेकिन ये फिर भी ये निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको कास्टिंग काउच के सहारे काम करना है तो करो, बहुत सी हीरोइनों ने किया है और टॉप मुकाम पर पहुंची है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ऐसा ना करें। आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। मैं रात को अच्छी नींद पसंद करती हूँ। बॉलीवुड में कथित ड्रग नेक्सस के बारे में ईशा कहती है कि उनका मानना है कि टिप्पणी करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इस प्रक्रिया में किसी की भावना को चोट पहुँच सकती है। हालांकि ईशा विस्तार से बताती है कि एक आदमी अपनी कंपनी के लिए जाना जाता है जिसे वो रखता है। मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मैंने ऐसे किसी भी चीज़ का सामना नहीं किया और ना ही मैंने ऐसा कोई काम किया है जो मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये ड्रग माफिया एक ऐसी चीज़ है जिस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये युवाओं को तबाह कर रहा है। न्यायपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।